आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का डायलॉग था, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। रतन टाटा की जिंदगी बड़ी भी थी और लंबी भी थी। 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में पैदा हुए रतन टाटा आज 86 साल के हो चुके थे, और इन 86 सालों में जो कारनामे रतन टाटा ने किए हैं, जो हुए हैं, इनका पूरा लेखा जोखा करने में पूरा दिन पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन कुछ चंद मिनटों में मेरी कोशिश रहेगी कि उनके जीवन के कुछ विजडम के मोती आपको मैं दे सकूं। जब एक गैंगस्टर ने उनको परेशान किया तो उससे वो कैसे निपटे? फोर्ड कंपनी वालों ने जब उनके ऊपर तंज कसा था तो उनका मिलियन रिएक्शन क्या था? प्रिंस चार्ल्स जब उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले थे तो वहां वो क्यों नहीं गए? हम उन्हें हीरो की तरह देखते हैं, लेकिन उनका हीरो कौन है जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है? उनकी नजरों में हमारे देश की समस्या क्या है? जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तब उनके ऊपर उंगलियां क्यों उठी थी? टाटा ग्रुप को इतना बड़ा बनाने में उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर भारतीय जानना चाहता है उनके बारे में, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में शादी क्यों नहीं की थी? ये सब कुछ आप जान जाओगे इस वीडियो में, आप अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, बिजनेस में 90% स्टार्टअप पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं, 5% स्टार्टअप अगले 10 साल चलते हैं, लेकिन 0.01% कंपनीज होती है जो अगले 100 सालों तक चलती है। टाटा ग्रुप को 150 सालों से ज्यादा हो चुका है। टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनी आती है और वो 100 से भी ज्यादा देशों में चल रही है। इन कंपनीज में आपको सुई से लेकर बड़ा स्टील तक, चाय से लेकर 5-स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। भारत में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में 3 से कम चीजें टाटा ग्रुप की ना हो। कम से कम 3 चीजें तो होगी ही होगी, उसमें से एक है टाटा नमक, जो हम सब ने खाया है। आज आप रतन टाटा जी के बारे में ऐसी कहानी जान जाओगे जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके थे, जो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। हम सभी की तरह रतन टाटा की जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में ही हुआ था। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं रतन टाटा। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब ही उनके माँ बाप का तलाक हो गया था। पिता नवल टाटा, माँ सोनी टाटा अलग अलग हो गए थे, यानी कि इनकी जिंदगी के शुरुआती दौर में ही ईश्वर ने इनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। उन्हें और उनके भाई जिमी को नवाज भाई टाटा, जो उनकी दादी थी, उन्होंने संभाला। वो मुंबई में टाटा पैलेस में रहते थे। उनके घर पर एक कार हुआ करती थी, वो एक तड़कती भड़कती कार थी, उसके बड़े बड़े हेडलाइट थे, और ड्राइवर जब उन्हें स्कूल में उस कार से पिकअप करने को आता तो वो पैदल घर पर जाना पसंद करते थे। आखिर जाए क्यों उस कार से, उन्हें पसंद नहीं आता था। वो शर्मीले किस्म के इंसान थे, उन्हें लगता था कि उस कार से अगर मैं जाऊंगा तो मैं सबके नोटिस में आ जाऊंगा। वो उनकी दादी को हमेशा कहते थे कि दादी, आप मुझे पिकअप करने के लिए कोई दूसरी छोटी गाड़ी भेज दिया करो। आज भी अगर देखे तो उनकी पर्सनैलिटी में वही सौम्यता देखने को मिलती है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, साथ ही साथ वो बहुत हम्बल भी थे। 1955 से लेकर 1962 तक वो अमेरिका में रहे थे। वहाँ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की थी। जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब उनका लॉस एंजलिस में पढ़ाई करते वक्त वही परेशानी करके वही सेटल होने का इरादा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। दादी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्हें वापस इंडिया बुला लिया। तब रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकरा कर टाटा ग्रुप के साथ एक साधारण सी नौकरी करने का फैसला किया। वह नौकरी उन्होंने पूरी तरह से एक साधारण कर्मचारी के तौर पर की थी, और जब टाटा ग्रुप उन्होंने ज्वाइन भी किया तो एक अपेंडिक्स की तरह उन्होंने ज्वाइन किया था। वो काम पर पैदल ही जाते थे, सबके साथ लाइन में लगकर खाना खाते थे। इतना ही नहीं, सबके साथ वो हॉस्टल में ही रहा करते थे, अपने हाथों से कपड़े धोते थे, आम वर्कर्स की तरह पूरी तरह से वो जिंदगी जी रहे थे। और साल 1991 आते आते रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन चुके थे, और 2012 में उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली थी। मगर रतन टाटा ने 21 साल के अपने राज में उन्होंने टाटा ग्रुप को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू उन्होंने 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसला लेते थे और उस फैसले को सही साबित कर ही मानते थे। एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे दीवू, कोरस, टेटले, रेंज रोवर और जैगवार जैसी कंपनीज को टेक ओवर किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। टाटा ग्रुप का 2/3 हिस्सा उनके ओवरसीज मार्केट से आ रहा था। उन्हें इंस्टाग्राम पर कौन लेकर आया वो भी एक बहुत बड़ा किस्सा है। कहानी कंपनी के एक बिग बॉस और एक एम्प्लॉय की दोस्ती की है। कहानी 2 पीढ़ी के 2 फासले वाले 2 लोगों की दोस्ती की है।
2014 में एक जवान लड़का शंतनु टाटा ग्रुप का एम्प्लॉय, एक दिन उसने एक कुत्ते को मरते हुए सड़क पर देखा। तब उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, तो दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एक चमकीला कॉलर बना दिया जो रात के समय अगर कुत्ता पहने तो दूर से ही किसी को भी नजर आ जाए कि सामने कुत्ता है। और वो चमकने वाले कॉलर की वजह से कुत्तों की जान बचने लगी। उन्हें ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसी का बिजनेस सेटअप करने की सोच भी ली। उन्होंने एक वेंचर भी शुरू कर दिया, लेकिन दिक्कत ये थी अब कि ये इंडिया है या कुत्तों की कमी नहीं है, तो ज़्यादा कॉलर्स बनाने के लिए इनके पास अब पैसे नहीं थे। तब वो उनके पिताजी के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या करूँ, तो उनके पिताजी ने उनको एक सलाह दे दी कि रतन टाटा जी को भी कुत्तों से बड़ा लगाव है, वो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, तुम एक काम करो, रतन टाटा जी को ही एक चिट्ठी लिख दो। और शांतनु ने रतन टाटा जी को एक खुलकर खत लिख दिया। और कमाल की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद ही रतन टाटा जी का उनको जवाब आया। उसमें लिखा था कि उन्हें शंतनु का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो शंतनु से मिलना चाहते हैं। और इन दोनों की मुंबई में मुलाकात हो गई। तब रतन टाटा जी ने शंतनु को उनके कुत्तों से भी मिलाया और उनके वेंचर की फंडिंग भी कर दी। और इस तरह से दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, जिसके कुछ समय बाद शंतनु मास्टर्स के लिए अमेरिका चले गए, उसी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जहाँ से रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई की थी। और जब उनका कोर्स ख़त्म हुआ तो उनकी सेरेमनी अटेंड करने के लिए खुद रतन टाटा उनके पास गए और उनको ऑफर भी दे दिया कि आप मेरे बिजनेस असिस्टेंट बन जाओ। और शंतनु ने तो खुशी से इस बात को, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं हर किसी को अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छा मेंटोर चाहिए और अच्छा बॉस चाहिए। शंतनु ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये तीनों लोग उनको एक ही इंसान में मिल जाएंगे। 84वां जन्मदिन रतन टाटा जी ने शंतनु के साथ मिलकर मनाया और शंतनु ही थे कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर आने के लिए रतन टाटा को पर्सनली एडवाइस दी थी। और इस बात को मानकर रतन टाटा साहब इंस्टाग्राम पर आ गए। दोस्तों, ये कहानी ऐसे हस्ती की है जिसने अपना मान का बदला दाव में आकर नहीं बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया है। कहते हैं कि लोग अक्सर ही अपने अपमान का बदला तत्काल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान लोग अपने अपमान को भी अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को शिखर की ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले रतन टाटा जी के ऊपर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। बात है 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतार दी। दरअसल ये रतन टाटा जी का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन अजीब बात है कि इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना कि वो कार डिजर्व करती थी या जितना कि उन्होंने सोचा था। इस कार की वजह से कंपनी घाटे में जाने लगी। कंपनी का घाटा होते हुए कंपनी के लोगों ने रतन टाटा जी से कहा कि आप इसे बेच दीजिए, लेकिन रतन टाटा जी इस बात को नहीं चाह रहे थे। न चाहते हुए भी उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और तब वो अमेरिका गए, फोर्ड कंपनी के पास गए इस कंपनी को बेचने के लिए। और यही वो दिलचस्प किस्सा है रतन टाटा जी के जिंदगी का। वहाँ रतन टाटा जी और बिल फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, इनकी बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उन्होंने कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको समझ और जानकारी है ही नहीं, उसमें आपने इतना पैसा क्यों लगा दिया। आपकी ये कंपनी हम खरीदना चाहते हैं, खरीदेंगे, लेकिन खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा जी के दिल और दिमाग पर छप गए। रतन टाटा जी ने वो अपमान का घूंट पी लिया और उस डील को कैंसिल करके भारत वापस आ गए। बिल फोर्ड का वो अपमानित करने वाला शब्द उन्हें लगातार बेचैन किया जा रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई। इसके बाद रतन टाटा जी ने एक निश्चय कर लिया कि वो इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के जिद में। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने प्रॉपर रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला कि हम फेल क्यों हो गए, हमने इंडिका कार में ऐसी क्या गलती कर दी थी। और इसके बाद की कहानी सभी को पता है साथियों, कि टाटा कार ने भारत के साथ साथ विदेश में भी अपने झंडे गाड़ दिए। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बदकिस्मती देखी है फोर्ड कंपनी वालों की कि उनका पतन शुरू हो चुका था। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनियां दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट होने के कगार पर आकर पहुंच गई। सिचुएशन की नज़ाकत को देखते हुए रतन टाटा जी ने फोर्ड की लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को खरीदने का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया, जिसे फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया, जिसके बाद फोर्ड के सभी अधिकारी
भारत आए और बॉम्बे हाउस में वो ऐतिहासिक मीटिंग फिक्स की गई। उसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हो गया। तब बिलफोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से तब कही थी जब टाटा साहब अमेरिका गए थे। लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। मुंबई की मीटिंग में बिलफोर्ड के शब्द थे, आज आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर रतन टाटा अगर चाहते तो उसी वक्त अमेरिका में बिलफोर्ड को उनके बात का जवाब दे देते, लेकिन महान लोग बातों से नहीं सफलता से जवाब देते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 2008 में न भूलने वाला हादसा हो गया, लश्करे तैयबा ने प्लान किया हुआ मुंबई ताज अटैक। 166 निर्दोष लोगों की जानें चली गई, 9 आतंकवादी मारे गए, अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इस घटना ने देश के साथ साथ रतन टाटा जी को भी पूरी तरह से हिला दिया था, क्योंकि टेररिस्ट के निशाने पर था टाटा ग्रुप्स का प्रीमियम होटल ताज होटल। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि उस दिन मुझे एक कॉल आया, मुझे बताया गया कि देर इज सम शूटिंग एट ताज, ताज में गोलियों की आवाजें आ रही है। तो मैंने ताज होटल में कॉल किया लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने टीवी ऑन किया और टीवी में मैंने वो नजारा देखा। उस दिन मैं आधा घर पर आधा ताज होटल पर था। दोस्तों, यहाँ पर रतन टाटा जी का वो कद भारतीयों को देखने को मिला जिससे उनका कद और भी ऊंचा हो गया। थोड़ी देर में रतन टाटा जी उस टेंस सिचुएशन में ताज होटल के बाहर खड़े हुए दिखे। वहाँ उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए वो नजर आए। अस्पताल में लोगों को खुद वो मिलने गए। जो लोग इंजर्ड थे, जो इन लोगों की ताज अटैक में जान चली गई थी, उनके बची हुई जिंदगी की पूरी सैलरी एक साथ उनके परिवार को दे दी और उनके बच्चों के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट बिल्कुल पूरी तरह से फ्री कर दिया। जिंदगी भर के लिए उनके लिए एक काउंसलर प्रोवाइड किया गया। और ये बात सिर्फ उस ताज होटल के एम्प्लॉयज के लिए नहीं थी, बल्कि जो लोग होटल के बाहर ठेला लगाते थे या पैदल जाने वाले लोग थे जिनका टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, जिनको रतन टाटा जानते भी नहीं थे, वो शहीद पुलिसकर्मी, उन सब के लिए रतन टाटा जी ने अपने खजाने खोल दिए ताकि किसी को भी उनके परिवार में पैसों को लेकर कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में सरकार से मुआवजे आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन रतन टाटा जी ने एक महीने के अंदर ही सबको उम्मीद से ज्यादा दे दिया। कहते हैं, नियत साफ हो तो काम करने में समय कभी नहीं लगता, ऐसे थे रतन टाटा। रतन टाटा ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ताज को फिर से ब्यूटीफाई किया गया और पहले से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर बना दिया गया। जैसे मानो रतन टाटा टेररिस्ट को एक मैसेज दे रहे हो कि तुम जान तो ले सकते हो, इमारत गिरा सकते हो, लेकिन हमारे हौसलों को नहीं हिला सकते। दुनिया में इस कदर प्यार बांटने वाला इंसान, आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, अपने जीवन में अकेले क्यों रह गए थे। दोस्तों, रतन टाटा ने कभी भी शादी नहीं की। क्यों नहीं की मैं बताता हूँ। जब वो अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे तब वहाँ की एक लड़की से उनको प्यार हो गया था, वो उससे शादी भी करना चाहते थे, ये उम्र ही वैसी थी। लेकिन तभी उनको अपनी बीमार दादी से मिलने को भारत आना पड़ा, वो दादी जिन्होंने रतन टाटा को बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था, दादी जो उनके दिल के बहुत करीब थी। तो उस वक्त रतन टाटा जी ने उस लड़की से कहा कि चलो चलते हैं भारत, वही शादी भी कर लेंगे। लेकिन उस लड़की के माँ बाप ने उस लड़की को इंडिया नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंडिया का चाइना के साथ वॉर चल रहा था। और बाद में रतन टाटा जी को ये बात पता चली कि उस लड़की ने वहीं पर किसी दूसरे से शादी भी कर ली। ऐसे ही करते करते उन्हें 4 बार प्यार हुआ था। हर बार ऐसा हुआ कि उनकी शादी बस होने ही वाली थी, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वो खुद शादी से पीछे हट जाते थे। कभी वो काम में व्यस्त रहते थे तो कभी शादी को लेकर उनको एंजाइटी होती थी। वो कहते हैं कि पीछे मुड़ के जब देखता हो तो सोचता हो कि जिनसे मेरी शादी होने वाली थी, अच्छा ही हुआ कि मेरी शादी उनसे नहीं हुई, अगर शादी हो गई होती तो मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया होता। रतन टाटा जी की जिंदगी का बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने उसके 15 ही दिन बाद टेलको में हंगामा हो गया। कोलंबिया बिजनेस के दौरान रतन टाटा ने इस किस्से के बारे में बात कही है। उस दौर में एक गैंगस्टर था जिसने देखा कि ग्रुप के पास बहुत पैसा है और वो उस पैसे पर कब्जा करना चाहता था। उसके पास करीब उसके 200 फॉलोअर्स थे
वो पूरी तरह से गुंडे बदमाश किस्म के लोग होंगे। प्लांट में काम कर रहे बाकी 4,000 लोगों से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। रतन टाटा उस टॉक में ये बताते हैं कि उसने यूनियन ग्रुप को फॉर ग्रांटेड ले लिया। वो यूनियन में था और यूनियन को कंपनी का माउथ पीस माना जाता है। इसी के चलते वर्कर्स उस गैंगस्टर के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे। उसने कंपनी के 400-500 एम्प्लॉयज के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। लोकल पुलिस के साथ सांठगांठ थी, इसके लिए ये तय था कि पुलिस के पास भी जाएंगे तो पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर वो कंपनीज के कुछ अफसरों के घर पर भी जाने लगा। रात के 2 बजे मुंह को ढक कर डोर बेल बजाता, दरवाजा खुलते ही चाकू मार दिया करता। हमेशा जांग पर चाकू मारता ताकि मरे नहीं। ऐसे चलते मैनेजमेंट में डर का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने स्ट्राइक पैदा कर दी और फिर सब कुछ रुक गया। सलाहकारों का मानना था कि इस गैंगस्टर को कंपनी ने खुश कर देना चाहिए, यानी कि उससे मिलकर सेटल करना चाहिए। लेकिन रतन टाटा जी ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। कोई गैंगस्टर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आप जानते हैं रतन टाटा ने क्या किया? रतन टाटा ने सबसे पहले वर्कर्स को वापिस आने के लिए कहा। अब सभी वर्कर्स डरे हुए थे, अगर कोई भी काम पर जाएगा तो कई वो गैंगस्टर उनके परिवार को कुछ धोखाधड़ी ना कर दे। तब रतन टाटा जी ने खुद कंपनी में विजिट की, खुद कंपनी में वर्कर्स के साथ रहे और उनके साथ वहीं पर रहकर कंपनी में काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वर्कर्स ने देखा कि कंपनी का मालिक खुद हमारे साथ है, खुद यहाँ काम कर रहा है, वापिस आने लगे। गैंगस्टर ये कहते रहा कि प्लांट बंद है, कोई ना जाए। लेकिन रतन टाटा जी ने इश्तिहार लगा दिए कि सारे वर्कर्स काम पर वापिस आ चुके हैं, काम एकदम बढ़िया चल रहा है, बाकी भी सब लौट आइए। और बाकी सारे वर्कर्स लौट कर भी आए। आखिरकार पुलिस आई और उसे और उसके सभी साथियों को अरेस्ट किया गया। हड़ताल खत्म हो गई और गैंगस्टर ने जेल से बाहर आने के बाद ये मैसेज भिजवाया कि वो रतन टाटा जी को जान से मार देंगे। फिर से सलाहकारों ने रतन टाटा जी से कहा कि इसे पैचअप कर लिया जाए, लेकिन वो रतन टाटा थे वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बदमाश लोगों से मैं बात ही नहीं करूँगा। ऐसे थे अपने रतन टाटा दोस्तों, वो ज़मीन से आसमान तक कुछ भी सोच सकते थे और जो सोचते थे वो वैसा कुछ भी जो उन्होंने सोचा हुआ वो कर सकते थे। एक तरफ जहाँ रेंज रोवर और जैगुआर को उन्होंने एक्वायर किया और उसी साल दूसरी तरफ 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च कर दिया। ये भी बहुत ही कमाल का इंसिडेंट है दोस्तों। पुणे में एक बार वो कार से जा रहे थे और उस वक्त उन्होंने देखा टेल्को कंपनी के सामने कि एक परिवार स्कूटर से जा रहा है, बरसात हो रही है और उन्हें लग ही रहा था कि गलती से अगर ये स्कूटर स्लिप हो जाए तो बच्चे को लग सकता है, और ठीक वैसा ही हुआ। तभी उन्होंने एक फैसला कर लिया, लेकिन वो पहला फैसला उनका ये था कि उस स्कूटर को मजबूत कैसे किया जाए। तो उन्होंने अमेरिका में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी, वो बैठ गए ड्राइंग बनाते रहे और उस स्कूटर की मजबूती को बढ़ाते बढ़ाते 2 पहियों से वो 4 पहियों की गाड़ी बन गई। ऐसे ही उनके दिमाग में नैनो ने जन्म लिया। हालांकि सस्ती कार के तौर पर इसकी ब्रांडिंग करना एक स्ट्रेटेजिक तौर पर चैलेंज था। आगे चलकर 2018 में ये कार बंद हो गई। रतन टाटा जी बिजनेस जीनियस तो है ही दोस्तों, साथ ही उनकी सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी और ह्यूमिलिटी बेहद कमाल की है। इसके बहुत सारे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। रिसेंटली 2021 में उन्होंने ट्रैवल टू पुणे विजिट किया था, अपने पुराने एम्प्लॉयज से मिलने हो गए थे। आप सोचिए, वो उनके पुराने एम्प्लॉयज से मिलने को उनके घर पर चले जाते हैं। साथ ही उनको कुत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव था, वो लोगों को हमेशा प्रेरित करते थे कि अपने इंडियन स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट किया करें। इनफैक्ट उनकी जो फेवरेट किताब है वो भी कुत्तों से ही रिलेटेड है। फरवरी 2018 में यूके के प्रिंस चार्ल्स फिलंथ्रॉफी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको देना चाहते थे। तब रतन टाटा जी बकिंगहम पैलेस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, तभी उनके कुत्ते टीटो की तबीयत खराब हो जाती है। तो देखिए, उनको अपने कुत्ते से इतना प्रेम था कि उसे वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने उस अवार्ड फंक्शन को ही छोड़ दिया। प्रिंस चार्ल्स जैसे व्यक्ति का इनविटेशन सिर्फ रतन टाटा जी ही ठुकरा सकते हैं। और प्रिंस चार्ल्स को भी जब ये पता चला तो उन्होंने उनकी तारीफ में कहा था कि कितने शानदार इंसान है रतन टाटा जी, और इसी वजह से टाटा ग्रुप आज इस बढ़िया पोजीशन पे है। एक बार ऑनलाइन कैंपेन चला था कि उनको भारत रत्न देना चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक भारतीय होना ही काफ़ी है, आप इस कैंपेन को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसका भी बहुत ही दिलचस्प किस्सा रहा है। जिस वक्त साल 2000 में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिल रहा था, उस वक्त इनके साथ और एक व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार मिल रहा था।
वो व्यक्ति कौन थे मुझे कमेंट में बताना, लेकिन मैं हिंट देता हूँ, वो व्यक्ति ऐसे थे कि उन्होंने टाटा ग्रुप से स्कॉलरशिप ली थी और उनके साथ थे रतन टाटा, जिनको भी ये सेम पुरस्कार मिल रहा था। और तो और जो पुरस्कार दे रहे थे के आर नारायणन, उस वक्त के हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी टाटा ग्रुप से ही स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई की थी। रतन टाटा जी ऐसे थे कि उन्होंने कभी स्मोकिंग कभी ड्रिंकिंग नहीं की, बहुत सिंपल उनका लिविंग सिस्टम था। रतन टाटा जी हमारे भारतीय बिजनेस के भगवान हैं, उनका नाम पूरी दुनिया भर में है। अब रतन टाटा जी के किस्से और कहानियाँ इतनी सारी है कि हमें दिन और रात कम पड़ जाएगी, तो इस वीडियो को हम इधर ही विराम देंगे। बाकी रतन टाटा जी के बारे में अगर कोई भी अपने शब्दों में पिरोकर कोई बात कहना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहे, मैं आपके हर कमेंट को पर्सनली पढ़ूंगा, लाइक करूंगा और उसका जवाब दूंगा। और एक हैशटैग है जिसे चलाना मत भूलना, हैशटैग भारत रत्न रतन टाटा। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।